ओम शांति। हम सब जब देवियों की महिमा करते हैं तो बड़े प्यार से दो शब्द यूज करते हैं। एक उनको माँ कहते हैं और दूसरा उनको शक्ति कहते हैं, मदर एंड पावर। क्या ये दो अलग-अलग शब्द हैं या इन दोनों का कोई कनेक्शन है? अष्टभुजाधारी देवियाँ अर्थात आत्मा की अष्ट शक्तियाँ, जैसे सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, साक्षी होने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, कितनी सारी शक्तियाँ हैं। आज हमें कोई शक्ति कम है, कोई शक्ति थोड़ी ज़्यादा है, और कोई शक्ति का तो हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, और कोई शक्ति के लिए हमने मानना शुरू किया, आई डोंट हैव दिस पावर, आई जस्ट कांट कोऑपरेट, आई जस्ट कांट एडजस्ट विद दिस पर्सन। जब हम ऐसा कहते हैं तो वो शक्ति हमारे अंदर थोड़ी सी कम होती जाती है और हमें लगता है जीवन चल रही है, इट्स ओके, नहीं एडजस्ट किया तो नहीं किया। लेकिन शक्ति माँ है, विच मीन्स द पावर नर्चर्स अस। अगर हमने उस पावर को अपने अंदर से ख़त्म कर दिया या यूज़ करना बंद कर दिया तो आत्मा की नर्चरिंग ख़त्म हो जाएगी, आत्मा को पालना देने वाली वो शक्ति ख़त्म हो जाएगी, आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली वो शक्ति ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए जब हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास वो शक्ति नहीं है, वी नीड टू रिमाइंड आवर सेल्फ, हम अपनी नरिशमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि माँ बच्चे को नरिश करती है। जिस बच्चे की माँ नहीं तो उस बच्चे को वो पालना, वो प्यार, वो अनकंडीशनल लव, वो नरिशमेंट नहीं मिलता है। तो शक्ति हमारी माँ है। शक्ति मतलब सिर्फ जो देवी की हम पूजा कर रहे हैं वो नहीं, हमारे अंदर की हर शक्ति हमारी माँ है। तो उसको ये नहीं कहना कि मेरे पास वो माँ नहीं है, उस शक्ति को इमर्ज करो एंड लेट द पावर नर्चर यू एंड एम्पावर यू। और जितना वो शक्ति हमारे अंदर इमर्ज होगी, वो सिर्फ हमारी पालना नहीं करेगी, हमारे से औरों को भी नर्चर करेगी। और इसीलिए वो माँ का गायन है, क्योंकि वो माँ सबको नर्चर करती है, लेकिन सबसे पहले वो शक्ति हमें खुद को नर्चर करती है। तो पिछली बार हमने देखा पावर टू विड्रॉ, डिटैच, मतलब किसी भी सिचुएशन से पहले डिटैच हो जाओ, उसकी एनर्जी का इफ़ेक्ट हम पर नहीं आए। तो फिर क्या इजी हो गया? लेट गो करना इजी हुआ, कि छोटी छोटी बातें, पुरानी बातें, लोगों का व्यवहार यहाँ नहीं रहता, आई लेट गो। गिल्ट, अपने आप से नाराज़गी पकड़ के नहीं रखी, लेट गो कर दिया। जब हमने वो किया तो सहन करना नेचुरल होने लगा, सहन करना नहीं पड़ा। आज हम गिनते हैं कि सहन करना पड़ता है, इसका भी सहन करना पड़ता है। सहन करना नहीं पड़ेगा, जब लेट गो किया, लोगों की एनर्जी से विड्रॉ किया, तो सहन तो नेचुरल हो गया। और जब ये तीन शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं, पावर टू विड्रॉ, पावर टू लेट गो, पावर टू टॉलरेट, तो चौथी शक्ति अपने आप इमर्ज हो जाती है, एंड वो है पावर टू एक्सेप्ट, समाने की शक्ति। आज आत्मा जब कमज़ोर होती है तो उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस ख़त्म नहीं होती, यहाँ तक कि हम समझते हैं कि एक्सपेक्ट करना तो नॉर्मल है। अपेक्षाओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है, और जितनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएंगी, सोल पावर विल स्टार्ट डिप्लीटिंग। और इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, रोज़ स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, जो सबसे पहला साइन हमें दिखाई देता है कि जब आत्मा की पावर बढ़ती है, एक्सपेक्टेशन घटती है, एंड पावर टू एक्सेप्ट बढ़ता है। पावर टू एक्सेप्ट मतलब क्या? क्योंकि उसका सही अर्थ में उसको लेना है। कई बार हमें लगता है कि एक्सेप्ट मतलब फिर ठीक है, कुछ नहीं, किसी को बोलो, सबको एक्सेप्ट करो, बात जैसी है वैसे उसको छोड़ दो, लोग जो कर रहे हैं उनको करने दो। ऐसे तो नहीं चलेगा, ना हमारा घर चलेगा, ना हमारा ऑफिस चलेगा, ना हमारी सृष्टि चलेगी। लेकिन पावर टू एक्सेप्ट मतलब क्या? परिस्थिति अलग अलग होगी, लोगों के संस्कार अलग अलग होंगे, दिखेंगे, इट्स हियर, वी कैन सी इट, वो दिखेगा, उसको ठीक भी करना है। लेकिन जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक करने के लिए एक ही चीज़ करनी है,
यहाँ उसके बारे में चिंतन करना नहीं, उस प्रॉब्लम को यहाँ रहने देना, उस प्रॉब्लम को यहाँ नहीं लाना। क्योंकि अगर उस प्रॉब्लम को यहाँ ले आए और सोचने लग गए क्यों, क्या, कैसे, ऐसे कैसे, और उनके बारे में पर चिंतन, नेगेटिव थिंकिंग करते गए, बिकॉज दैट सिचुएशन एंड दैट पर्सन इज़ नॉट मैचिंग आर एक्सपेक्टेशंस, तो जब हम उनके बारे में इस तरह से चिंतन करते हैं तो हमारी नेगेटिव वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती है, पहले यहाँ क्रिएट हो जाती है, फिर वहाँ जाती है, तो जो वो प्रॉब्लम होती है या वो जो बिहेवियर होता है वो जितना था उतना नहीं रहता, वो और बढ़ जाता है। तो वी बिकम रिस्पॉन्सिबल टू एस्केलेट द प्रॉब्लम, टू एस्केलेट द बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट मतलब हम उनके उस व्यवहार के बारे में और हम उस सिचुएशन की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में या चिंतन नहीं करते, हम स्टेबल रहते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं दिस इज़ हाउ इट इज़, ये बात अभी ऐसी है, और नेक्स्ट क्षण हम ये चिंतन करते हैं अब क्या करना है। तो प्रॉब्लम के बारे में चिंतन नहीं, समस्या के बारे में सोचना नहीं, क्यों, क्या, कैसे नहीं सोचना, लेकिन ये सोचना अब क्या करना है। तो समस्या का चिंतन नहीं, समाधान का चिंतन, प्रॉब्लम का चिंतन नहीं, सल्यूशन का चिंतन, क्योंकि वो बात को तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बात है, विच मीन्स नॉट थिंकिंग ऑफ व्हाट इट इज़ नाउ बट थिंकिंग ऑफ व्हाट वी हैव टू डू फॉर इट। कुछ चीज़ों को हम बदल सकेंगे, कुछ बातों का सल्यूशन निकल आता है। कोई जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसका कोई समाधान नहीं है, वो बात है, जैसे बड़ी बातें, घर में कोई शरीर छोड़ता है, देर इज़ अ डेथ इन द फैमिली, इसका कोई सल्यूशन नहीं है, ये सबसे बड़ी बात होती है किसी के जीवन के लिए। लेकिन उस परिस्थिति में भी कैसा सोचना है, अगर हम उस परिस्थिति को भी एक रॉन्ग चिंतन की तरफ ले गए तो हम बहुत एनर्जी डिप्लीट करते हैं, सिर्फ अपनी नहीं, अपने आसपास के लोगों की नहीं, लेकिन जो आत्मा आगे गई है उसको भी हम नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पावर टू एक्सेप्ट। पावर टू एक्सेप्ट समाने की शक्ति, मतलब बातों को संभालो, ना उसके बारे में चिंतन करो, ना उसको इधर उधर फैलाओ, एक्सेप्ट इट एंड नाउ वर्क ऑन इट। जो बातों को संभालेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, उसके अंदर संतुष्टता, कंटेंटमेंट। आज हम अपने आप को चेक करें, सब कुछ है, अचीव भी कर लिया, घर में भी सब परफेक्ट है, लेकिन सब होने के बाद भी हम में से मेजोरिटी लोग कहते हैं लेकिन अंदर कुछ खाली खाली है, वो कंटेंटमेंट कहाँ से आएगा। कंटेंटमेंट, संतुष्टता इज़ नॉट बेस्ड ऑन हमारे पास बाहर कितना परफेक्ट है। सब कुछ आपकी लाइफ में अगर परफेक्ट हो, आपका काम, आपका परिवार, आपकी हेल्थ, सब कुछ भी परफेक्ट हो, तो भी कंटेंटमेंट नहीं होगी अगर आत्मा की शक्ति घटी हुई है। और अगर कुछ भी परफेक्ट नहीं हो लेकिन अंदर आत्मा की शक्ति बढ़ी हुई है, यू आर अ कंटेंटेड सोल। और इसीलिए समाने की शक्ति का प्रतीक संतोषी माँ, संतुष्टता की देवी, कि जहाँ समाने की शक्ति है वहाँ संतुष्टता, कंटेंटमेंट साथ साथ जाती है। क्योंकि आप किसी भी बात पर प्रश्न नहीं उठाते तो आप उस बात से संतुष्ट हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार पर प्रश्न नहीं उठाते आप उनके साथ संतुष्ट हैं, आप अपने आप के साथ भी संतुष्ट हैं। समटाइम्स वी आर कंटेंटेड विद पीपल एंड सिचुएशंस बट नॉट कंटेंटेड विद आवर सेल्फ। संतुष्टता डज नॉट मीन कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन इस प्रेजेंट मोमेंट तक हमारे पास जो है, हमारे साथ जो है, हम संतुष्ट हैं। नेक्स्ट मोमेंट हम और मेहनत करेंगे। संतोषी माँ के हाथ में चावल की कटोरी दिखाते हैं, विच मीन्स जो आत्मा संतुष्ट है, एक्सेप्ट करती है, वो अलग 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 चावल के दानों को भी इकट्ठे जोड़कर सबको प्यार से संभाल कर चलती है। मीन्स डिफरेंट पीपल, डिफरेंट संस्कार्स, हर दाना अलग है लेकिन फिर भी सारे इकट्ठे हैं, क्योंकि वो देवी, वो शक्ति उन सबको एक्सेप्ट करती है। और वो ही चावल के दाने
जिनको वो एक्सेप्ट करती है वो उसको नरिशमेंट भी देते हैं, क्योंकि वो खाना है ना, वो चावल है, नरिशमेंट दे रहा है। तो हमारी ही समाने की शक्ति हमें ही नरिशमेंट देती है, सबको जोड़ के रखती है, और वो नरिशमेंट फिर हम औरों को भी देते हैं। तो अगले 24 आवर्स हमें ये प्रैक्टिस करना है। बातें आएंगी, लोग अलग अलग व्यवहार करेंगे, हमें समाधान भी करना है, आगे भी बढ़ना है, चीज़ों को ठीक भी करना है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पहले मन को साइलेंट रखना है, विच मीन्स एक्सेप्ट एज इट इज़ एंड नाउ रेडी टू चेंज। तो अगले 24 घंटे समाने की शक्ति, एक्सेप्टेंस पावर का हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा संतोषी माँ की तरह संतुष्ट आत्मा हूँ, इस स्वमान को लेकर अगले 24 घंटे हम अभ्यास करेंगे। ओम शांति। शांति। आज नवरात्र के 5वें दिन इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मां स्कंद माता नव दुर्गा का 5वां स्वरूप, नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा के स्कंद माता के रूप में उपासना का दिन है। वह स्कंद कुमार की माता होने कारण मां दुर्गा जी इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद कुमार ही कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। पुराणों में प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे, इसलिए इनकी महिमा का वर्णन किया जाता है। परमात्म ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति के द्वार खुलने वाली माता परम सुखदाई है। परमात्मा शिव अपनी इस शक्ति से अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनकी 2 भुजा में कमल पुष्प और उनको कमल आसन पर विराजमान दर्शाया है, अर्थात कीचड़ या बुराइयों से भरा संसार में निर्लिप्त बनने की प्रेरणा देती है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है, और साथ ही एक हाथ वरद मुद्रा का अर्थात सर्व को वरदान देने का भाव। इनका वाहन सिंह है अर्थात निर्भयता का प्रतीक। यह भी माना गया है कि स्कंद माता की कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। परमात्मा ज्ञान सूर्य की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर जीवन मुक्ति का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। ओम शांति। जय स्कंद माता। ओम जय स्कंद माता। शक्ति भक्ति प्रदायिनी, शक्ति भक्ति प्रदायिनी, सब सुख की दाता। ओम जय स्कंद माता।
कार्तिकेय की हो माता शंभु की शक्ति। भक्त जनों को मैया तेना निज भक्ति। चार भुजाति सोहे गोदी में अस्कंद, दया करो जग जननी, पालक हम मति मंद। शुभ्रवर्ण अति पावन सबका मन मोहे, होता प्रिय माँ तुमको, जो पूजे तो हे। स्वाहा स्वधा ब्रह्माणी राधा रुद्राणी, लक्ष्मी शारदे काली, कमला कल्याणी। मैया जय स्कंद माता। काम क्रोध मद मैया जग जननी हरना, मैया जग जननी हरना। विषय विकारी तन मन, पावन करना। मैया जय स्कंद माता। नव दुर्गे में पंचम मैया स्वरूप तेरा, मैया स्वरूप तेरा। पंचम नव राते को, होता पूजन तेरा। मैया जय स्कंद माता। तू शिव धाम निवासिनी महाविलासिनी तू, मैया महाविलासिनी तू। तू शमशान विहारिणी, कवलासिनी तू। मैया जय स्कंद माता। हम अति दीन दुखी माँ कष्टों ने घेरे, कष्टों ने घेरे। अपना जान दया कर, अपना पालक है तेरे। मैया जय स्कंद माता। जय स्कंद माता, ओम जय स्कंद माता। शक्ति भक्ति प्रदायिनी, शक्ति भक्ति प्रदायिनी, सब सुख की दाता। ओम जय स्कंद माता।